ऑल राइट गाइस, सो आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी ना रिसेंटली एक केस आया था तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई देते हैं लोगों को अवेयरनेस के लिए। तो यार देखो, बहुत बार क्या होता है ना, जैसे मान लो तुम्हारे घर में शादी चल रही है, ठीक है, और गेस्ट आते हैं। गेस्ट में सारे तरह के आते हैं, अमीर, गरीब, नॉर्मल, क्रिमिनल, सारे आते हैं। ठीक है, तुम्हें तो पता नहीं होता कि भाई ये क्राइम करके आए हैं क्या करके आए हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, कुछ लोग क्राइम करके आते हैं और तुम्हारे पास मान लो ठहर गए वो, तो इसमें तुम भी लपेटे जाओगे। इसको बोलते हैं हार्बरिंग। हार्बरिंग मतलब तुम अगर किसी को शरण दे रहे हो ना, अगर कोई क्राइम करके आया, ये सब तुम्हें पता हो या ना पता हो, ये तो देखो जो लॉ में है ना वो तो ये कि अगर तुम्हें पता है या फिर तुम्हें रीजन टू बिलीव है और तुमने उसको छुपाया तो तुम्हें भी सजा होगी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होती है, पुलिस क्या करती है जनरली, वो आएगी और वो तुम्हारे भी नाम लिखती है कि हाँ भी तुमने भी इसको छुपाया और तुम्हें भी अंदर लपेटा जाएगा। फिर तुम्हारे नाम काटने के लिए वो, कि भी तुम्हारा नाम नहीं लिखना, इतने पैसे दे दो। कहने का मतलब ये कि शादी तुम्हारी हो रही, तुम्हारे घर में शादी हो रही, फंक्शन हो रहा, तुम्हारे घर पर कोई गेस्ट आया, उसकी वजह से तुम्हारी जेब ढीली हो रही है, तुम्हारी लाइफ एंड डेंजर में जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। तुम्हें पता ही नहीं था वो क्राइम करके आया लेकिन तुम लपेट दिए गए। तो इसका उपाय क्या है? तो इसके दो उपाय हैं। इसके दो उपाय हैं कि भाई किसी को भी ना शादी में मत बुलाया करो, वैसे जिनको तुम्हें लगे कि हाँ यार क्रिमिनल बंदा हो सकता है, अपने घर में शरण नहीं देनी। या फिर दूसरा क्या होता है, जैसे बहुत बार क्या होता है, मान लो तुम्हारे घर कोई गेस्ट आया बिना बताए, दो चार दिन के लिए रुक रहा है बिना बताए, तो उसको भी शरण मत देना कि या तो वो क्राइम करके आया होगा, चांसेस हैं, या तो वो क्राइम करके आया होगा। अब क्राइम करके आएगा तो तुम्हें भी लपेटेगी पुलिस अगर तुम्हारे घर से वो बरामद हुए तो। अब इसके प्रोविजन कहाँ मिलते हैं? इसके प्रोविजन मिलते हैं सेक्शन 212 ऑफ IPC 212 में। ठीक है, एक बार देख लेना, बस तुम मुद्दे को समझा करो यार, ये टेक्निकल चीज़ है ना, थोड़ा वो कर दिया करो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ना देखो, अगर वो बंदा मर्डर करके आया या फिर ऐसा ऑफेंस करके आया जिसकी सज़ा फांसी की है, तो तुम्हें 10 साल तक की सज़ा होगी। 10 साल तक की तुम्हें सज़ा होगी। अगर मान लो वो बंदा कोई ऐसा ऑफेंस करके आया जिसकी सज़ा ही 10 साल से ऊपर है, तो फिर तुम्हें 5 साल तक की सज़ा होगी। अगर मान लो वो 10 साल से नीचे वाली ऑफेंस करके आया, जैसे मान लो चोरी करके आया, कुछ भी ऐसा करके आया और तुम्हारे घर से वो बरामद हुआ, तो तुम्हें 1/4 ऑफ उसकी पनिशमेंट की सज़ा मिलेगी। कहने का मतलब ये कि सारी तरीक़ों से तुम गए, बस तुमने उसको बुलाया या फिर तुम्हारे घर वो आया, बस तुम लपेट ली गए। और इंडियन पुलिस इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाती है, जो हमारी पुलिस है वो बहुत फ़ायदा उठाती है। मान लो किसी ने खबर दे दी भी वहाँ छुपा हुआ है, तो वो क्या करेगी, उसको तो पकड़ेगी पकड़ेगी, लेकिन तुम्हें भी लपेटेगी कि भाई तुमने इसको छुपाया, तुम्हारे ऊपर ही धार लगेगी, या तो पैसे दो। ये होता है भाई, ये सोसाइटी में होता है, तुम कभी देखना, ऑब्जर्व करना, ये होता है। ठीक है, जनरली पुलिस करती है, रस्सी को सांप बनाने का काम करती है। ठीक है, अब कुछ लोग सोचेंगे भाई वो तो ट्रायल में पता चलेगा, तो यार देखो वो बाद की बात होती है, लेकिन पहले तो हरासमेंट हो जाते हैं ना तुम। और मेरा ना जो चैनल है ना, हमारा जो चैनल है, उसका जो मेन एम है वो यही है कि तुम्हें पहले ही बचा लो। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बाद में तो तुम बच जाओगे, लेकिन मान लो तुम्हें उठा ले गई, फिर तुम्हारा खर्चा होगा, तुम्हारे घर वाले डिस्टर्ब होंगे, भाई चक्कर काटेंगे, उससे अच्छा ना तुम पहले समझ लो ना कि भाई ऐसे लोगों को बुलाओ मत शादी में, या फिर तुम्हें लगे कोई शारीरिक मतलब शरारती तत्व है तो उसको अंदर ही मत घुसाओ अपने घर में। कहने का मतलब ये है इस वीडियो का कि कभी भी तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो या कुछ भी हो, तो ऐसे लोगों को मत बुलाओ जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ठीक है, बुलाओ तो ठीक है, लेकिन वहीं से वहीं भेज दो, अपने घर में ना सुलाओ बुलाओ मत, जैसे शरण मत दो एक तरह से। शरण मतलब होता है ना भाई, चल रुक जाओ, और गेस्ट तो ऐसे होते हैं, रुक जाते हैं दो चार दिन के लिए। ठीक है, और मान लो पीछे से पुलिस आ जाए तो तुम्हें भी लपेटेगी ना, तो इससे अच्छा है अपने जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले, उनसे दूरी रहो। ठीक है, उनको अपने घर बुलाओ ही मत, सीधी बात, क्योंकि यार देखो तुम अपने आप को प्रायोरिटी दो। ठीक है, क्राइम उसने किया, फर्स्ट तुम भी रहे हो खामा खा, जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम। अब कुछ लोगों में भाई ये तो गलत बात है, ये बात है। तो यार देखो जो प्रोविजन है ना, बनाते तो हैं गुड फेथ के लिए। प्रोविजन जो बनाया था ना वो 212 में, वो इसलिए बनाया था, बहुत बार क्या होता है ना, लोग क्राइम करके किसी रिश्तेदार के चले जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई मैंने क्राइम किया, तूने थोड़ी ना किया, तो तू रख सकता है। तो उस टाइम लॉ मेकर्स का दिमाग था कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि मान लो क्राइम करके कहीं छुप गया, अपने घर के किसी घर के वहीं छुप गया। बहुत बार होता है ना मूवीज़ में देखा होगा तुमने, छुपा लेते हैं भाई अंदर रहे, कोई आया आना ना पाए, तो उसके लिए बनाया था प्रोविजन। लेकिन इसका गलत फ़ायदा भी तो उठाती है ना पुलिस, तो तुम भी इस चीज़ का ध्यान रखो। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। मतलब किसी को भी बुलाने से पहले 100 बार सोचना। ओके, जिसका अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको तो बिल्कुल भी मत बुलाना अपने घर में या फंक्शन में, बिल्कुल मत बुलाना। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर।